हेलो वेलकम टू अमन्यू आई एस माई नामी एस हुसैन और आज हमारे साथ हैं भावना श्रीवास्तव जिन्होंने एस सी एस टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ट्वेंटी फोर रैंक सिक्योर किया है तो आज हम इनसे जानेंगे कि क्या जो जर्नी रही है इनकी एक स्टूडेंट से एक uh, जो ऑफिसर uh, बनने की वो किस टाइप से रही है और किस टाइप से इन्होंने फिल्म की प्रिपरेशन की किस टाइप से इन्होंने स्ट्रेटेजी इनकी मेंस के लिए रहा ऑप्शनल के लिए किस टाइप से स्ट्रैटेजी रही इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे किया इन्होंने, इन्होंने Education qualification क्या है time management कैसे किया तो बिल्कुल पूरी तरह से आज इनके बारे में जानेंगे हम और सबसे पहले तो मैं, आ, प, आ, करना चाहूंगा अपने चैनल जो हमारा अभिमन्यूस का यूट्यूब चैनल है उसमें मैं स्वागत, करूंगा, स्वागत करता हूँ भावना का इन्होंने अपने क्रिशियल टाइम से अपने जो बिजी शेड्यूल है उनसे अपना टाइम निकाल के हमें दिया तो उसके लिए भी थैंक यू प्लेजर जी भावना सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने जब रिजल्ट सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बता दूं कि जो भावना है वो पहली अटेम्प्ट में एस को क्रैक किया है फर्स्ट अटेम्प्ट था इनका तो सबसे मोटिवेशन वाली बात है ये हम लोग भी मतलब कैसे आप भी जब इनको पूरी इंटरव्यू देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि किस टाइप से आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो ठीक है तो सबसे पहले तो भावना मुझे ये बताई कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया और ये जब आपने देखा रिजल्ट ठीक है और अपने घर वालों को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था आपका क्या रिएक्शन था सर रिएक्शन तो बहुत अच्छा था मतलब लिटरली एलेटेड थे सब सब लोग घर पे जितना सब था मैंने सबसे पहले अपने मम्मा को को बताया बताया फिर अपने भाई को बताया, अपने भाई बहन पापा को बताया सब बहुत ज्यादा ही खुश थे एंड दे वर लाइक मतलब ट्वेंटी फोर्थ रैंक आई तो उस उसपे भी बहुत ज्यादा सब खुश थे काफी अच्छा पूरा एटमोस्फेर मैंने फिर अपने रिलेटिव को बताया सब बहुत ही ज्यादा खुश थे उस समय तो जी

जी तो सिविल सर्विसेज में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया ग्रेजुएशन के बाद तो yes. ये बताइए कि सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन कर रहे थे आप तो यूपीएससी के प्रिपेशन yes, yes, हाँ, में और एस सी एस के प्रिपरेशन में आपको मतलब, क्या दिखा और कितना फायदा मिला आपको उससे सर बेसिकली पेपर का लेवल देखा जाए तो ऑलमोस्ट कन्वर्ज ही करते हैं तो इतना

हरियाणा होगी उत्तर उत्तराखंड राजस्थान ठीक है तो ये सारे हिमाचल प्रदेश तो क्या इनके एक साथ कंबाइन भी कर सकते हैं हाँ सर अगर आपका बेस स्ट्रांग है अगर आपका बेस स्ट्रांग है आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो ऑब्वियसली जाना चाहिए क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन आपको पता नहीं आप किस जगह से लाइक मैंने यूपी एस का इंटरव्यू भी दिया एंड मैं कुछ मार्क्स से रह गई फाइनल में सो so उसके बाद मुझे लगा कि नहीं आई शुड गो मतलब मुझे अपना डाइवर्ट भी करना चाहिए फिर मैं एच का मैंने देखा यूपीएससी ओरिएटेड था तो मैंने फॉर्म भरा फिर धीरे धीरे फिर प्रेलम्स की तैयारी करी काफी अपनी है के पुराने तो रियलाइज हुआ कि नहीं ये हो सकता है मतलब ये एग्जाम भी क्रैक किया जा सकता है तो वैसे ही ओरियंटेड स्ट्रेटेजी पूरी बन गई तो ऑब्वियसली और स्टेट में जाने से आपको एक्सपीरियंस तो बढ़ेगा ही आपको पेपर पैटर्न पता चलेगा एक्सपीरियंस पता चलेगा पेपर का क्वेश्चन की नॉलेज होगी तो ऑब्वियसली वो आपको हेल्प करेगी हर एग्जाम में कहीं ना कहीं जी आ, भावना प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी थी स्पेसिफिक प्रीलिम्स के लिए क्योंकि यहाँ पे आपका तो एक तो चलो कंबाइन आपके सेवेंटी टू एटी आपका सिलेबस मिल जाता है इसके अलावा आपको हरियाणा जीके भी हरियाणा जनरल स्टडीज भी आ जाती है तो उसके yes. लिए और मतलब कंबाइन आपका जो सेवेंटी परसेंट है उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी थी उसके बाद हरियाणा जीके का जो था यानी हरियाणा जनरल स्टडीज का था उसके लिए क्या आपने yes. किस टाइप से प्रिपरेशन की सर बेसिकली मैंने जितनी भी प्रिपरेशन की वो मेरी खुद की नोट से थी मैंने करंट अफेयर जो मैं पढ़ती थी लाइक न्यूज पेपर फॉर एक्साम्पल न्यूज पेपर जो पढ़ती थी शॉर्ट नोट्स उसकी भी थोड़ी बना लेती थी एंड ऑल्सो yes. yes. मैंने इनसाइट्स प्रेफर किया इनसाइट्स एंड आई एस बाबा का जो करंट अफेयर मॉड्यूल उसकी मैं फिर उसको पढ़ती थी एंड फिर उसकी सेल्फ नोट्स में बना के प्रिपेयर करती थी तो इट्स नॉट लाइक मैं स्ट्रेट uh, अवे पढ़ लेती थी उन सब मैगजीन से मैं उसकी खुद की नोट्स बनाती थी तो ये मुझे काफी बेनिफिशियल हुआ फर्स्टली बिकॉज मैंने खुद से लिखा है तो मुझे वो चीज़ याद रहा है एंड सेकेंडली जब आप खुद से बनाते हो तो जब आप उसको रीड करते हो तो उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जी, उसके अलावा हरियाणा का अगर मैं देखूँ हरियाणा स्पेशल का तो हरियाणा के इतने क्वेश्चन आते नहीं है इस जे. बार हाँ थोड़ा ट्वेंटी के प्रेलम्स में थोड़े आए थे बट वो भी मैनेजेबल थे लाइक डिस्ट्रिक्ट का पूछ लिया था आपसे एंड थोड़ी बहुत चीजें आपके इंपोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स का पूछ लिया था तो अगर आप बेसिक हरियाणा की अगर नॉलेज रखो एक अरिहान स्पेशल बुक आती है जी। उसमें से बेसिक जो टॉपिक्स होते हैं लाइक डिस्ट्रिक्ट्स के टॉपिक हो गए इंपॉर्टेंट मिनरल्स के टॉपिक हो गए मैंने थोड़े बहुत ऊपर ऊपर से देख लिया था हरियाणा स्पेशल मैंने ऐसा जितना किया नहीं था क्योंकि यूपीएससी ओरिएंटेड मेरी स्टडी थी तो फिर उससे मेरा हो गया था प्रीलिम्स ऑफ हाउ क्वालीफाई जी।, जी और अगर हम लोग बात करें अगर uh, मेंस की तो मेंस का क्या स्ट्रेटजी रही आपको सर मेंस का सर मेन तो आंसर राइटिंग रहता है एंड आल्सो सर जितने भी आप इसे लाइक फॉर एग्जांपल कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना सर जरूरी होता है

तो बहुत जरूरी है आप उनको खुद से पढ़े बार बार उनको पढ़े आपको धीरे धीरे पता चलेगा आप कहाँ पे लैक कर रहे हो फिर तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए आपको न्यूज पेपर से अपने आंसर्स देखिए तो आपको रियली really आपकी जो रीडिंग लेवल होगी वो भी वो तो एनहांस होगी आपके जो आंसर्स की क्वालिटी होगी वो भी इनहांस होगी प्लस आंसर का प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है जो अक्सर लोग सिर्फ राइटिंग में बिता देते हैं कॉन्टेंट में बिता देते हैं बट प्रेजेंटेशन लोग सब लोग नहीं देखते हैं तो वो सबसे इम्पोर्टेंट अपना प्रेजेंटेशन को ग्रास्क करना उस पर स्पीड बनाना सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है ऐसा होता है

सर उसको मैंने सर बेसिकली उसमें भी मैंने खुद की नोट्स बनाई थी आई वुड से मैंने पूरी प्रिपरेशन में मैंने खुद की नोट्स से हर एक चीज रिफर किया मैंने काफी अलग अलग सोर्सेज से लाइक गूगल से बेसिकली मेरी पूरी जोग्राफी ऑप्शनल की तैयारी पूरी मेरी गूगल से हुई है आई यूज टू लाइक जितने भी सिलेबस के टॉपिक होते थे मैं उनको पढ़ती थी एंड उससे जितना भी मुझे गूगल का मटेरियल मिलता था उसको मैं एक साथ कलेक्ट करके With diagram, with special points, facts, उनको एक जगह कर लेती थी, और अगर हम लोग बात करें जैसे की इंटरव्यू प्रिपरेशन की ये फर्स्ट आपने, फेस कर रहे थे आप तो मतलब क्या रहा आपका मतलब किस टाइप से इंटरव्यू प्रिपरेशन पहले सबसे पहले तो बताइए कि इंटरव्यू प्रिपरेशन किस टाइप से किया आपने? सर बेसिकली इंटरव्यू प्रिपरेशन आई एम लाइक आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश तो मेरे लिए मेन था कि मैं हरियाणा स्पेशल प्रिपेयर करूं तो मैंने हरियाणा स्पेशल को स्पेशली कवर किया अपार्ट फ्रॉम दैट सर इंटरव्यू में यही है ना आप खुद की पर्सनैलिटी को जितना ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रमोट कर सको एंड जितना शो कर सको तो सर मेरा यही था कि जो भी है जितने भी जो जो भी कुछ पूछा जाएगा कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बिकॉज दे आर नॉट चेकिंग योर नॉलेज वो ऑलरेडी प्रीलिम्स एंड मेंस में हो चुकी है हो चुकी है बिल्कुल सही बात यस yes, यस yes. तो वो मेन चीज है कि आपको उस समय अपना काम मेंटेन करना है तो सर उसके लिए आप जितना आप लोगों से बात करो इंटरेक्ट करो लाइक like अपने आप घर पे बोलिए कि मुझसे क्वेश्चन पूछो एंड फिर आप उसी वे में उसको आंसर करिए इंग्लिश में आंसर करिए हिंदी में आंसर करिए लाइक दोनों मीडियम में जैसे जिस टाइप का इंटरव्यू होता है तो उस तरह मैंने अपने मतलब अपने घर वालों को इन्वॉल्व किया एंड ऑल्सो कुछ 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 चीजें पढ़ी लाइक like पुराने इंटरव्यूज देखे मैंने काफी तो और जैसे कि करंट अफेयर का क्या रोल रहता है आपके तीनों सेक्शन में अगर हम लोग बात करें चाहे वो आपके मेंस हो चाहे वो इंटरव्यू हो सर करंट तो सर मेजर पार्ट है आई ने इस बार का पेपर देखा है तो सर कोई भी क्वेश्चन आता है और फॉर्म्स में भी आता है तो सर वो है तो प्रीवियस चीज बट अगर हम लोग उसको देखें तो अभी के जितने भी इश्यूज हैं लैंड के अभी के जो जितने भी पॉलिसीज हैं उन सबको इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है तो सर करंट इज मेन थिंग करंट पे हम लोग को फुल्ली फोकस होना चाहिए एंड ऑल्सो हम लोग को इस बार का प्रीलिम्स देखा था सर कितनी सारी स्कीम्स आई थी पूछने को कितनी सारी नई नई पॉलिसीज आई थी तो सर करंट जो रहती है

सुपर कंडक्टिविटी पे था तो ये सब करंट के ही टॉपिक तो करंट के ही इश्यूज हैं एंड ऑल्सो जो डेवलपमेंट हो रहा है हरियाणा में प्रेजेंटली सब सब मेरा पूरा इंटरव्यू करंट बेस्ड था से पूरा का तो तो yes मतलब रोल प्ले करता है, तो बहुत से कि अगर है, तो 80 है बाकी ट्वेंटी अगर हम लोग बात करें सब्जेक्ट में तो मतलब वही सारी चीजें पूछे जाते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड जो करंट में चल रहा है मतलब करंट और सब्जेक्ट को रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल सर हाँ ऐसा ही है ज्योग्रफी है तो अभी ज्योग्रफी में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ

हाँ सर सबसे बड़ी बात तो मेरा पूरा एच सी एस में फर्स्ट इंटरव्यू था सो so, वो फिर मुझे उस टाइप का लग रहा था कि पहला है, कहीं ऐसा ना हो कि क्या क्या दिमाग में रहे बहुत मुझे उस लग रहा था एकदम मॉर्निंग आर्ट था मेरा एंड उनका पहला क्वेश्चन ही मुझसे था कि आप ब्रेकफास्ट में क्या खा के आई है <laughs> उनका पहला क्वेश्चन था तो आई वो आई लाइक क्या बताऊ मैं क्या पर फिर मैंने जो खाया मैंने वो बता उस उसपे मुझसे काउंटर क्वेश्चन भी पूछा गया कि उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपने वही क्यों खाया ऐसे मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे तो बहुत टफ क्वेश्चन हो, तो हाँ हो जाता है ये तो मतलब फाइंड गेम हो जाता है ये तो एग्जैक्टली वो पूछा आपने यही क्यों खाया एंड आपको कुछ और क्यों नहीं मिला आई वाज लाइक मैं क्या बताऊँ इसमें कुछ और क्योंकि आई वाज स्टेइंग एट अ होटल And वो ही था उस समय। <laughs> तो मैंने उनको बट जो था वो मैंने उसको, उनको बता दिया एक्चुअली में तो इंटरव्यू काफी काम और काफी कॉर्डियल था देवर मतलब सब स्माइल कर रहे थे एंड बीच में एक, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे थोड़ा मैं डर गई थी एंड देवर लाइक डरो हो नहीं आप बहुत अच्छा जा रही हो तो वो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस उससे मिला था काफी तो इंटरव्यू वॉज क्वाइट गुड इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था काफी

मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि बहुत चीजें होती है लाइक एक नंबर से रुक गया प्रीलिम्स में एक नंबर से मेंस में रुक गया इंटरव्यू में रुक गया तो ऑब्वियसली जर्नी को एंजॉय करना बहुत जरूरी है और हर एक डे जो होता है वो लेसन ही होता है लाइक आज आपने ये किया आपको रिलाइज नहीं आज मैं इससे बेटर ये चीज कर सकती थी नहीं। 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 तो हर एक डे को अगर आप सीख बना के चलो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस जर्नी में सेकेंडली आप लोगों से बात करिए ज्यादा से ज्यादा बिकॉज एक इमोशनल एंड मेंटल सपोर्ट इस जर्नी में बहुत जरूरी है अपार्ट फ्रॉम दैट पर हार्ड वर्क तो फिर सबको ही करना पड़ता है like, लाइक मैंने खुद ट्वेल्व टू फिफ्टीन आवर्स में ऑलमोस्ट डेली पढ़ती थी इतना मेरा रहता था एंड उसमें भी शेड्यूल वाइज लाइक सिक्स आवर्स मैंने जोग्राफी को दे दिया ऑप्शनल को उसके अलावा मैंने फोर आवर्स जी एस को दे दिया फिर हिंदी को दे दिया तो आप स्लॉट बेस्ड अगर चलोगे लाइक like, रोज में हर एक सब्जेक्ट कवर करती थी जो नीडेड होता था ऐसा नहीं की मैंने एक महीने में पूरी जोग्राफी खत्म कि ऐसा नहीं मैं रोज टाइम स्लॉट्स के हिसाब से जिससे मेरा हर सब्जेक्ट पे एक टच हमेशा बना रहा है तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी थी मेरे लिए अपार्ट फ्रॉम आंसर राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है बिफोर गोइंग टू इनटू प्रीलिम्स आपको आंसर राइटिंग उसके पहले शुरू कर देनी चाहिए बिकॉज मंथ होते हैं हो, उसमें आपको पूरा कवर कवर अप करना होता है प्लस इतना कॉम्पिटिशन होता है तो बहुत जरूरी है कि आप बिल्कुल ही प्रिपेयर हो होकर प्रीलिम्स के पहले ऐसा हो कि आप एक बार मेन्स की प्रिपरेशन पूरी कर लीजिए ऑप्शनल एक बार आप टचअप जरूर कर लीजिए इट्स नॉट लाइक आपको एकदम माइंड ही आपका ना हो उस, उस जगह पे ऑप्शनल पे आपको टच ही ना हो तो बहुत जरूरी है कि आप पहले से हर चीज प्रिपेयर रखी है अपार्ट फ्रॉम दैट ठीक है मतलब सक्सेस फेलियर जर्नी का पार्ट है उसके लिए तो रेडी रहना लाइक like मेरा मतलब यूपी पीसीएस में भी इंटरव्यू मैंने दिया था तो उसके बाद नहीं हुआ था इंटरव्यू के बाद बाहर होना तो इट्स एक्चुअली क्वाइट हर्टफुल तो बट नहीं फिर फिर उसके बाद मैंने यूपी पीसीएस का फिर से दिया मैंने एच का दिया एच सी के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया तो ये बात है वन शुड कीप ट्राइंग मतलब एक, एक हार से अगर आप उदास होकर बैठ जाओ तो इस जर्नी में फिर कुछ नहीं है हर डे मोटिवेट मोटिवेट करते रहो प्लस साथ साथ आप एक्सरसाइजेस करिए गाने सुनिए सब कुछ करिए ऐसा नहीं कि आप कोई चीज एकदम छोड़ दीजिए सब हर एक चीज एंजॉय करिए जर्नी के साथ आई वुड से दिस

एक्चुअली एच का ही हम लोग ने देख लिया नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है अभी नेक्स्ट हम लोग ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का देख रहे हैं कि कभी भी आ सकती है तो नोटिफिकेशन के लिए कभी सोचना ही नहीं चाहिए चीज तो दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए कि कब नोटिफिकेशन आएगा कब मेन्स है कब प्रिलियम्स है कौन से डेट पे क्या है एक्चुअली कंसिस्टेंट होके पढ़ाई करते रहना चाहिए क्योंकि ब्रेक कर दोगे तो फिर पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहता नोटिफिकेशन तो देखना ही नहीं चाहिए मुझे लगता है मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था है, है, तो मुझे ही करनी चाहिए एग्जाम ही है थोड़े दिन बाद ऐसे ही करना चाहिए जी और भावना बहुत सारे ऐसे अभी गाइडेंस होती है जैसे ऑनलाइन गाइडेंस हो गया ऑफलाइन गाइडेंस लेते हैं बच्चे तो क्या मतलब क्या बेनिफिशियल अगर हम लोग देखें तो कौन ज्यादा है ऑफलाइन गाइडेंस ज्यादा है बेनिफिशियल है या फिर है? Uh, sir, दोनों ऑनलाइन एंड ऑफलाइन से दोनों में ही बहुत ज्यादा है लाइक कंटेंट अनलिमिटेड है सो so, एक स्टूडेंट पे है कि वो कितना दोनों तरफ से दोनों क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट ऑफलाइन आपको अलग इंसाइट देगा ऑनलाइन आपको अलग इंसाइट देगा तो इट्स नेसेसरी दोनों चीजों से

जैसे आपने भी अभी आप मकाम तक पहुँचे हो यस सर श्योर तो हमारे टाइम देने के लिए थैंक यू एंड हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू ओके थैंक यू सर ओके माय प्लेजर सर